ओके तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्थ और ये है मेरी मम्मी अमृता। हेलो। तो अभी हम लोग आए बनारस में मम्मी के कजन की वेडिंग में। तो आप लोग ने पिछले व्लॉग्स में देखा कि हम लोग ने वेडिंग के व्लॉग्स डाले थे, हल्दी का और मेहंदी का, और वो सारे शादी के व्लॉग्स थे। तो आई होप वो आपको व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। तो आज जो है वो हम लोग फ्री हुए तो जा रहे हैं हम लोग काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो ये हुई है कि काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो मस्जिद था वहाँ पर जो केस चल रहा था वो भी केस आज फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो शायद आज हम लोग को वो मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग निकला है उसके भी हम लोग को आज शायद दर्शन करने को मिलेंगे। तो मम्मी, आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। तो चलते हैं अभी हम लोग है दशाश्वमेध घाट पर। और यहाँ देखो सारी ये सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो गाइज अभी जो है ना वो हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी इस टाइप की माला और रुद्राक्ष और ये सारी चीज़ें मिल रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारी बोट भी खड़ी है, तो अगर आपको लाइक बोटिंग भी करनी है तो आप इधर से कर सकते हो। पर क्योंकि हम लोग लोकल है और भाई बोटिंग का अभी टूरिस्ट आने की वजह से बनारस में इतना ज़्यादा सब मांगते हैं ना, 2,000 5,000 रुपये लोग मांगते हैं। पर पहले भाई हम लोग जब यहाँ रहते थे तो हम लोग हार्डली 200-300 रुपये देते थे पूरे घाट घूमने का, वो भी प्राइवेट बोट का। पर अब तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो हम लोग ऐसे जाते नहीं है, पब्लिक पे ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइज़ आप लोग मेरे पीछे जो है वो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर देख सकते हो। और ये जो है वो पूरा नया बना है, पहले सारी जो है ना वो पूरी गलियाँ हुआ करती थी, तो ये पूरी गलियों को तोड़ के जो है वो पूरा कॉरिडोर बनाया है। और ये ललिता घाट और इसके ऊपर नेपाली टेम्पल है। तो यहाँ पर भाई मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए बनारस के ऊपर, सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर जो है ना वो देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ से भी जो है वो बोट वोट चल रही, और ये काफ़ी सुंदर घाट है। और देखो उधर लोग वीडियोज वीडियोज एकदम मस्त बना रहे हैं, रील वील बना रहे हैं। वो भारत माता मंदिर देख सकते हैं और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली आधी घंटे की चेकिंग के बाद जो है वो निकल चुके हैं और जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग गेट नंबर 3 से जा रहे हैं गेट नंबर 2 पर, जहाँ पर मेन मंदिर जो है वो दिखता है। तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो है ना वो मंदिर के कॉरिडोर में आ चुके हैं। और कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा है, भीड़ भी बहुत है। तो ये जो आप लोग भीड़ देख रहे हो ना, ये कुछ भी भीड़ नहीं है, मतलब इतनी भीड़ रहती है कि दर्शन में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। पर अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर फोन ये लॉकर में रख के दर्शन करने। और यहाँ से आपको वो मस्जिद भी दिखेगी जो कुछ ही टाइम में मंदिर बनने वाला है। तो अभी ये मस्जिद का केस परसों ही जीता है, तो यहाँ पर दर्शन शुरू हो गए, तो देखते हैं हम लोग को वहाँ दर्शन करने को मिलते हैं कि नहीं। तो अभी फोन रखते हैं, दर्शन करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज हम लोग इतने अच्छे साइड से आए ना कि भाई बहुत कम भीड़ में मात्र आधी घंटे में जो है वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए। और कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी जस्ट ये जो मस्जिद में जो व्यास तहखाना है वो अभी जस्ट कल ही खुला है लोगों के दर्शन करने के लिए, और हम लोग को आज जो है वो वहाँ पर भी दर्शन करने को मिल गए। तो वो पूरा अंडरग्राउंड जो है ना वो पूरा ऐसे वॉल टाइप की बनी है, मैं आप लोग को उसकी पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर भी अभी हम लोग दर्शन करके आए और भाई बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। तो गाइज अभी हम लोग ने जो है ना वो दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और वो आप लोग देख सकते हैं वो है अपने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, और वो अभी मस्जिद दिख रही है जो कि सिर्फ कुछ ही महीनों में जहाँ मंदिर बनने वाला है। तो हम लोग ने जो है वो एकदम फर्स्ट डे के एक्सक्लूसिव जो है वो दर्शन किए व्यास तहखाने के। तो गाइज अभी हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं बाहर। और मज़ा आया? मज़ा आया, तो चलते हैं। और अभी हम लोग को लॉकर से जो है ना वो अपना बैग वैग लेना है, तो बैग वैग निकालते हैं। तो गाइज अभी हम लोग बनवा रहे बनारस के घाटों पर यहाँ की स्पेशल कचौड़ी। तो ये है गोल कचौड़ी जिसके अंदर उड़द की फिलिंग रहती है, उसके ऊपर भैया ने डाल दिया है घुंगनी जिसको चना भी कहते हैं। तो ये बेसिकली सब्जी और चने का मिक्स रहता है। तो सबसे पहले भैया ने इसके ऊपर जो है वो एकदम गरम गरम घुंगनी डाल दी है। इसके ऊपर से जो है वो भैया डालेंगे थोड़ी सी चटनी इमली की और थोड़ी सी हरी चटनी जो कि इनकी स्पेशल रहती है। और उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा प्याज और मूली का रायता। और भाई ये कचौड़ी की एक प्लेट का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए पर। भाई इसको खाकर इतना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ना, और स्पेशली इन घाटों के व्यू के साथ कि आप इसे याद करोगे। तो गाइज अभी हम लोग फाइनली दर्शन कर आ चुके हैं और भाई बहुत ज़्यादा धूप है तो हम लोग इसलिए घाट पर बैठे, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा छाव है। और हम लोग ने ली है ये घाट पर ये कचौड़ी गोल वाली। तो मम्मी खा कर बताओ कैसी है? ठीक है, अच्छी है। तो ये गरम गरम है, बहुत जगह भाई ठंडी मिलती है पर ये जो कचौड़ी है गरम गरम हम लोग ने स्पेशली उनसे करवाई है। तो अभी खाते हैं इसको।